आपके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। अयोध्या में बाबा करोर शाह 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया, जिसको बाबा करोरे शाह सेवा समिति ने आयोजित किया, जिसमें आयोजक श्री राम बहोर निषाद ने बाबा करोर शाह के बारे में बताया। अयोध्या से हमारे संवाददाता मोहम्मद हैदर की रिपोर्ट। आयोजन हुआ है जो कि 26 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक रहेगा और 4 अप्रैल को हवन एवं भंडारे का किया गया है। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ ग्रामवासी और आयोजक, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि क्या इंतज़ाम है और कब से कब तक का प्रोग्राम है। वैसे आप आपका शुभ नाम बताएंगे? हमारा नाम है राम बहोर निषाद। राम बहोर जी, ये आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा आयोजन जो है हमारे ग्राम सभा की सभी सदस्यगणों द्वारा एवं सारे क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। ये कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? 26 मार्च से शुरू हुआ है। 26 मार्च को हमारा जो है विशाल जो है कलश यात्रा निकाली गई, जो हमारे बाबा करोर शाह समाधि स्थल से होते हुए सरियावां चौराहा, रानी बाजार होते हुए राम सहायक पुरवा, खैपुर, सरियावां होते हुए मसरौली, कल्पी पुरवा होते हुए फिर मंदिर परिसर में आया। जगह जगह पे जो है हम लोगों को भव्य स्वागत किया गया। रानी बाजार में 2 जगह, फिर राम सहायक पुरवा में, फिर हमारे राजा मान सिंह ने है बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया था, और उसके बाद सरियावां में महीप सिंह जो है बहुत बड़ा आयोजन किया था। अच्छा, प्रशासनिक स्तर पे आपको सहयोग रहा प्रशासन का? प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, उसके लिए हम हमारी समिति हमारे समस्त क्षेत्रवासी को बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी जो है थाना के पूरा जो है बल के साथ सब लोग आ करके पूरा प्रशासन जो है हमारी बहुत मदद किया। आपके वहाँ कथावाचक कौन है? हमारे कथावाचक जो है ऋषि जो है पाल व्यास चंद्रकला शास्त्री जी हैं। और आप हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो ये समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, इस कथा के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो है जो हमारे क्षेत्र में या समस्त जिले में, समस्त प्रदेश में जो कुरीतियाँ दूर हैं, राम कथा के माध्यम से हम लोग जो है इसको इस कुरीतियों को दूर करने के लिए आयोजन कर रहे हैं। और हमारे संत जो सिद्ध संत हैं बाबा करोर शाह जी, ये जीती दी समाधि लिए हैं, ये बहुत बड़े सिद्ध संत थे। ये जो है एक बार हम घूमते घूमते ये शुरुआती दौर में हमारे गांव सभा में आए और यहीं पर रहने लगे। उसके बाद फिर जो है गांव से आ करके फिर यहां बाहर जो है एक छपर कुटिया में रहने लगे। उसके बाद फिर यहां पे गांव के बहुत सौभाग्यशाली लोग जो है एक मंदिर का निर्माण कराया। फिर उसके बाद सारे सौभाग्यशाली भक्त द्वारा एक विशाल मंदिर का रूप दिया गया। और ये बहुत योगी थे, एक समय राजा ददुआ अयोध्या यहाँ आए, महाराज जी हमारे भूमि रमय बैठे थे, तो उन्होंने जो है कीमती सार राजा साहब ने इनको बढ़ा दिया कि उनकी इच्छा मनोइच्छा पूरा करने की इच्छा थी उनकी। जो भी भक्त आता है वो कहीं ना कहीं इच्छा अपने लेकर इच्छा जाता है। तो फिर जब बाबा करोर शाह जी की समाधि टूटी तो उन्होंने उस साल को जो है उसी अग्नि में जो है डाल दिया और वो साल खत्म भस्म हो गई। राजा साहब को आत्मग्लान हुई, फिर राजा साहब की मन की बात को जान के बाबा करोर शाह जी ने जो उनसे कहा कि राजन आप नाराज ना हो, यह आपका जो कीमती साल था यह साल आपके कमरे में आपके बॉक्स में मिल जाएगी। राजा ददुआ साहब तुरंत वापस गए और वही साल उनको उनके बॉक्स से मिली। फिर राजा साहब तुरंत वापस फिर बाबा साहब के पास आए और गलती की क्षमा याचना की और उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है हमारे अयोध्या चलिए, आपके लिए बहुत विशाल मंदिर बनवा देंगे, लेकिन महाराज जी हम लोगों की को छोड़ करके, हम लोग इतना प्रेम देते थे, हम लोग इतना आशीर्वाद देते थे, हम लोग छोड़ के वो नहीं गए। अच्छा, क्या ये रामकथा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है? हाँ, आपकी जो है छठवीं बार किया जा रहा है और इसमें हमारा पूरा क्षेत्र हमारे साथ जो है लगा रहता है, कदम से कदम मिला के चलता है। आजमगढ़ के जय बाबा मंदिर के पुजारी ने बताया कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इस जल्द ही जल्द पूरा करना चाहिए। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की। नमस्कार, फास्ट न्यूज़ इंडिया संवाददाता इस समय पहुँचे हैं जय बाबा बुढ़ऊ मंदिर के पास और ये पुजारी जी है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? शुभ नाम हरेराम मिश्रा है जी। और ये मंदिर जो है बुढ़ऊ बाबा के, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कब से मंदिर है यहाँ? ये तो पूरी जानकारी। अच्छा अच्छा जी, और कुछ बताइए। अच्छा, आप 2-3 साल से आ रहे हैं? 2-3 साल से हम आते हैं यहाँ पर जी। 8 बजे आ जाते हैं और 4 बजे शाम तक जाते हैं जी। मंदिर का पूरा साफ सफाई, पूजा पाठ करना शुरू हो रखा। अच्छा, ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है राम मंदिर बनने पे, इस पे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? राम मंदिर बनना चाहिए, बनना जरूरी है जी। इलेक्शन से पहले जो है मंदिर बन जाना चाहिए। हाँ जी।
अच्छा, और ये जो है एक अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एक हफ्ते के अंदर, इसका मतलब जो है देना है। हाँ, तो इसमें बनना चाहिए मंदिर। हाँ, मंदिर बिल्कुल बन जाना चाहिए जी। और कोई जनता को संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता तो यहाँ पर आती है, जो पूजा पाठ करती है, जो समय से आते हैं, कोई प्रावधान में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी जी, पूजा कार्य जो समय से हो जाता है तो अपना ये कढ़ाई पूरी चढ़ाते हैं जी, और समय से अपना जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आगे की खबरों के साथ बने रहने के लिए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं सरस कुमार गुप्ता, बड़ागांव थाना रिपोर्टर, फास्ट न्यूज इंडिया। मैं समस्त देशवासियों को लोहड़ी त्योहार की बधाई देता हूँ। अब बोला सुकर ग्राम प्रधान अमृत लाल, ग्राम सभा भानपुर, ब्लॉक रामपुर, मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ। कृष्णा हेल्थ क्लिनिक श्रीराम सेवापुरी वाराणसी की तरफ से सभी ग्रामवासी तथा क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हॉस्पिटल कछवा और सब्जी मंडी की तरफ से समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को एवं ग्रामवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ग्राम सभा दाती प्रधान कौशल्या देवी, पत्नी हरक नारायण यादव, ग्राम सभा दाती के तरफ से फास्ट न्यूज इंडिया के माननीय पत्रकार साहब जी के आगमन पर समस्त भारतवासियों को होली के पावन त्यौहार, प्रदेशवासियों और जिलावासियों और समस्त ग्राम सभा दाती परिवार वासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होली का त्यौहार बड़े प्रेम भाव से, हृदय से मनाएं। इसमें किसी प्रकार का ये त्यौहार ऐसा होता है कि पुरानी किसी प्रकार की दुश्मनी को मेल मिलाप कराता है। इसी उद्देश्य को लेकर के समस्त जनतावासियों, जनता और ग्रामवासी प्रेम पूर्वक होली का त्यौहार मनाएं, यही मेरा शुभकामनाएं देश के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। हाँ सर, परिचय दी। विप्लव सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करना चाहता हूँ। होली तो रंगों का त्यौहार है, साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजयशील का भी प्रतीक है। तो होली के लिए पूरे प्रदेश के लिए लोगों को, पूरे देश के लोगों को यही शुभकामनाएं अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि नशा, भांग, इन सब चीज़ों से दूर रहे, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन मर्यादा का भी पालन करना उतना ही ज़रूरी है। मर्यादा में रहकर मर्यादित तरीके से होली मनाएं। इस साल होली में एक तरह से रंग में भंग पड़ा हमारे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी का असमय दुखद निधन हो गया। इस वजह से शोक संतप्त हूँ। व्यक्तिगत रूप में मैं होली नहीं मना रहा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरे देश के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं सारे भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम मन्नालाल यादव है, दुर्गापुर में अपनी चाय की दुकान। समस्त काशीवासियों और भारतवासियों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सत्य प्रकाश यादव, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। मैं उप निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा,
यातायात पुलिस वाराणसी की तरफ से काशीवासियों को हार्दिक होली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सादगी पूर्वक त्यौहार को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सीओ भेलोपुर बनारस वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि होली सभी लोग आपसी भाईचारे से शांतिपूर्ण रूप से सौहार्दपूर्ण रूप से मनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद पांडे रिपोर्टिंग इंचार्ज लंका वाराणसी से आप सभी देशवासियों को होली के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत। वाराणसी जिला के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत अमीनी ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय पर प्रिंसिपल तेज बहादुर शुक्ला और अध्यापक गण राजीव कुमार सिंह आदि अध्यापकों ने अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर मीटिंग किया, जिस दौरान उन्हें समझाया गया कि जिसके घर में 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं वह अपने बच्चों का 1 अप्रैल से एडमिशन कराएं, और प्रिंसिपल ने कहा कि अभिभावक थोड़ा सा अपने बच्चों पर भी ध्यान दे और बच्चों को रोजाना स्कूल भेजे और बच्चों को पढ़ाने में मदद करे, और कहा कि खेलकूद में इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो उन्हें खेलकूद में और जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं उन्हें पढ़ाई में उच्च स्तर की शिक्षा दिया जाएगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह से बात करते हैं प्रधान अध्यापक तेज बहादुर शुक्ला। सर, आपका शुभ नाम? तेज बहादुर शुक्ल जी। सर, यह मीटिंग अभिभावकों का किस लिए रखा गया है? सर, नामांकन 1 तारीख से होने वाला है जी सर, और SMC की बैठक इसी उपलक्ष में मीटिंग कराया गया। अभिभावकगण से बताया गया कि अधिक से अधिक नामांकन कराए और अधिक से अधिक ठहराव बच्चों का हो। इसी बच्चों का एग्जाम हो गया सर? हाँ, बच्चों का एग्जाम हो गया। एडमिशन कब से होगा सर? एडमिशन 1 अप्रैल से जी सर। ठीक है, धन्यवाद। सब चीज है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग ध्यान देने के लिए तैयार हैं, और अच्छे से अच्छे योग्य आपके जैसे प्राइवेट में है तो इंटर पास करके BA पास करके अध्यापक हैं, रेगुलर भी हम आप लोग पैसा दे रहे हैं और सारी व्यवस्था जैसे चुकदाम हो जा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक लाइब्रेरी के हैं, सर हमारे आए हुए हैं रूम टू रीड के, ये भी संयोग से आज आ गए तो हमने जाने वाले थे तो हमने कहा रोक दिए, हमने कहा थोड़ा सा मीटिंग आप भी अटेंड कर लीजिए, तो ये सब सारी सुविधा आप लोगों को और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का, मैंने ठीक है तबीयत खराब हो गया, ठीक है नहीं आया बच्चा वो ठीक है, लेकिन सही है, पूर्ण स्वस्थ है बच्चा और आ करके इधर उधर घूम रहा है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को यही थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देंगे अपने अपने बच्चों को घर अगल बगल जो भी हो जो भी आप देखिए हमारे यहाँ ये थाना अंतर्गत आदमपुर ग्राम सभा में आंगनबाड़ी दीदी रेशमा देवी, सहायिका रीता देवी बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे रही हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रोजाना आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं और खेल के साथ वह लोग पढ़ाई भी करते हैं, जहां बच्चों को समय समय पर पोषाहार भी दिया जाता है जिसमें बच्चे और भी उत्साहित होकर पढ़ने के लिए रोजाना आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह से बात करती आंगनबाड़ी दीदी रेशमा देवी। रेशमा देवी जी, बताइए आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर, 46 बच्चे पंजीकृत हैं, उसमें आने वाले बच्चे सर कभी 25-26 बच्चे आते हैं। बच्चों को पोषाहार आप पका के देती हैं कि वैसे ही? नहीं सर, लड्डू है तो उसको पानी में करके देते हैं, उसको लड्डू बना कर देते हैं, उसका मतलब जो है अपना दलिया पका कर देते हैं, बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई गई? कितना दिन हुआ बच्चों को पिलाएंगे? और जो रोबेला का इंजेक्शन लग रहा था बच्चों को लग चुका है? अब पूरा एडमिशन कितना है बच्चों का? 46 बच्चे हैं और कल 20-25 बच्चे आते हैं। धन्यवाद।
चलिए ठीक है, छोटे बच्चे बैठ जाइए। ये जो एग्जाम था किस सब्जेक्ट का था, किसका एग्जाम था ये? आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम। आरपीएफ कांस्टेबल का था, ये कैंसिल क्यों, किस लिए हुआ, किस कारण? ये जो संस्था करा रही थी उसके सर्वर में प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जी। तो सुबह में प्रयास किया गया एग्जाम को कराने के लिए, लेकिन पैन इंडिया पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पे लखनऊ में, कानपुर में, आउटसाइड यूपी भी जहाँ जहाँ एग्जाम हो रहा था, चारों तरफ एग्जाम कैंसिल हो गया ये इसका। अच्छा, सर्वर प्रॉब्लम जी। सर्वर, ये एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा ये इन लोग मे बी एक दो दिन में शायद करके बताएंगे, बट 6 तारीख के आसपास का एक इनफॉर्मली एक सूचना आ रही है, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल के आसपास जी। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। या तो अगुवाई को स्विच ऑफ हो, फिर मीडिया वाले तो आए हैं, तो मीडिया नहीं है अंदर भाई, कोई होगा जरूर आएगा बोलते यार। पेपर एक तो दिए, ठीक है, माफ कर माफ रहे, लेकिन बिल्कुल सूचित नहीं किया। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसा ही बना रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।